भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने शुक्रवार को हापुड़ में कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं से बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग लाभान्वित हुआ है और व्यापारी सदैव भाजपा के साथ खड़ा रहा है। भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शुक्रवार को हापुड़ में व्यापार प्रकोष्ठ की पश्चिमी क्षेत्र कार्य समिति की बैठक में व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ विनीत शारदा ने कहा कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, हमारा व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इस दिशा में हमें सतत प्रयास करना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं व्यापारियों को ध्यान में रख कर के बनाई जाती हैं, जिससे व्यापारी का अधिक से अधिक लाभ हो। हमारा व्यापारी वर्ग हमारे देश की और भारतीय जनता पार्टी की रगों में बसता है। बिना व्यापार के किसी भी देश की उन्नति संभव नहीं है। आज हमारे देश की GDP आसमान छू रही है और नए नए व्यापारी विदेश से भारत में आकर व्यापार करना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा संदेश है कि अब संपूर्ण विश्व का व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए लालायित है और सरकार ने व्यापारियों के हित में ध्यान में रखते हुए सड़कों का जाल बिछा दिया, जिससे बहुत सुविधा हो रही है। माल आने और जाने में बिजली देकर सरकार ने व्यापारी पर पड़ने वाले जनरेटर और डीजल के बोझ को अब कम कर दिया है, जो कि लगभग समाप्त हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में व्यापार खूब फल फूल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS रामनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करके सभी का मान बढ़ाया है। पश्चिम क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता ने की। बैठक का संचालन सहारनपुर के अमित गर्ग ने किया। इस अवसर पर नोएडा से बलराज, मुरादाबाद से अमित गुप्ता, रामपुर से आशीष गुप्ता, मुजफ्फरनगर से सुनील कुमार, हापुड़ से अशोक बबली, योगेंद्र मोनू, कपिल एसम, अमित शर्मा, मोहन सिंह, कैलाश वर्मा, दीपांशु गर्ग आदि जनपदों से भी व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश का व्यापारी का उठा लिया जाता था और कभी उसकी हत्या कर दी जाती थी, पता नहीं चलता था। माता बहने सड़कों पर चलती नहीं थी, उद्यमी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्योग डालने को कभी तैयार नहीं होता था। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, बजाज हो, देश विदेश उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक उद्योग डालता नहीं था। मेरा आपसे निवेदन है, जो मेरे सहयोगियों ने, भाइयों ने आपसे बात रखी और आपको कहा कि हमारा सम्मान नहीं, ये बातें मन से नहीं आया। आपको पार्टी ने जिले का संयोजक सहसंयोजक बनाया। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है नेतृत्व करने की, आपके अंदर क्षमता नहीं है काम करने की, तो दूसरे पर दोष परसों देना बंद कर दो। जिसमें क्षमता है वो आगे बढ़ता है और जिसमें क्षमता नहीं है वो आरोप प्रस्तुत करता है।